एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें हर पार्ट में हमें जीरोज पता करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। ओके, अब हमें इनके भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपल है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 4 और u, तो क्या बचा, u + 2। ओके, अब देखो, इट मीन्स जो इसके फैक्टर्स हैं वो है 4u और u + 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज ज़ीरो व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे u इक्वल टू 0.4, यानी कि u की वैल्यू आ गई 0, u इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो -2। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं, u एक तो 0 आया और एक -2 आया, तो डेट इज़ एन अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। हम a b c की वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो a कितना है 4, b कितना है 8, C यहाँ तो दे नहीं रखा है, सेकेंड टर्म वो हो जाएगा 0, थर्ड टर्म सॉरी वो हो जाएगा 0। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस पता करेंगे। सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के इक्वल होते हैं। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 माइनस बी कितना है 8 और ए कितना है 4। ओके, जब इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा इक्वल टू, इसको कैंसिल करो तो ये भी -2 आया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के इक्वल होते हैं, और अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2 इक्वल टू c कितना है 0 और a कितना है 4। ओके, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 को 0 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इक्वल है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा तो वो दोनों इक्वल है। तो जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशनशिप पता चला और उसको हमने वेरीफाई किया। ओके,